ଆଜି କୋଟପାଡ଼ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋହନ ବାର୍ଲା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କିଆ କେମିତି ପହିଲି ବାର କୋଟପାଡ଼ ହେ ଅର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ କେ ଲୋକ ଆପ ମିଲେ ମୁସଲିମ କେ ମିଲେ କିଆ ସବୁ ରହେଗା अल्पसंख्यक में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बहुत सारा योजना है, उस योजना को हम उनके साथ बैठ के अवेयरनेस किया है कि आप लोग जाइए बीडीओ ऑफिस में जाइए, स्टेट के पास जाइए, स्टेट से प्रपोजल भेजिए और हम केंद्र से हम फंड भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात है आयुष ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो यहाँ दिया जा रहा है और यहाँ का मजदूर के साथ पैसा लिया रहा है, ये सारा नाइंसाफी है। गरीब मजदूर कहाँ से पैसा देंगे? घर दिलाने के लिए अगर पैसा मांगेंगे तो ये गरीब मजदूर के पास तो ऐसे ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, रोज़ कमाते रोज़ खाते। अगर इनके साथ छत नहीं है तो अगर छत मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत तो इन ये पैसा मांग रहे हैं तो पैसा कहाँ से दिया? इसको लेके आप अधिकारी को इसको हम बताएं, यहाँ पर वीडियो भी है, वीडियो को भी बताएं कि ये चीज़ ना हो। सर क्या करेंगे? और केंद्र सरकार बहुत ऐसा योजना अल्पसंख्यक के लिए लागू किया है, लेकिन इस बार काफी लोग मतलब अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए आप क्या करेंगे? अवेयरनेस कैंप बिठा रहे हैं हम, हर वीडियो को हर डीएम को दो दो हम रिव्यू मीटिंग कर चुके हैं और डीएम को आदेश दिए हैं कि कम से कम केंद्र सरकार का जो भी स्कीम्स है इस स्कीम को खुद को अवेयरनेस कीजिए, अवेयरनेस होइए और लोगों को अवेयरनेस कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन भारत में कुछ विरोधी ऐसे भी है, कुछ विरोधी दल, लेकिन अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसे बात नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज मैं एज ए क्रिश्चियन हूँ, आज मुस्लिम समाज हमारे बीच में आ रहे हैं, आज क्यों आ रहे हैं? आज ये मोदी है तो मुमकिन है, यही सोच समझ के आ रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कोविड के समय में मोदी ने राशन का व्यवस्था किया, जात पात नहीं देखा, देश का नागरिक होने के नाते सभी को व्यवस्था किया। तो अल्पसंख्यक कौन ऐसे है तो भ्रांति कर रहा है जो मोदी विरोधी, मतलब विरोधी का काम ही है, विरोधी उनका जमीन तले सब खिसक रहा है ना, पा तले जमीन खिसक रहा है, इसीलिए उनके पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए ये इस प्रकार से लोगों को विभ्रांत कर रहे हैं। कल माइनॉरिटी के मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस्तीफा दिए हैं और कार्यभार संभाले हैं स्मृति ईरानी, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, अच्छा, वेलकम है, हम लोग मिल के काम करेंगे, देश के माइनॉरिटी को पास खड़ा होंगे और उनके लिए व्यवस्था करेंगे।